हेलो देयर, गुड मॉर्निंग. आई एम श्रीकांत और आज मैं हिंदू एडिटोरियल जो लेके आया हूँ उसका शीर्षक है, उसका टाइटल है नॉट कोशेर. कोशेर का मतलब होता है लीगल, वैधानिक, ईमानदार. तो ईमानदार नहीं, कोशेर. ये लिखा गया है ऑन चंदा कोचर केस. चंदा कोचर के मामले पर लिखा गया है. आपको पता होना चाहिए चंदा कोचर बहुत सेलिब्रेटेड एक CEO रही हैं ICICI की बैंक की. और चंदा कोचर का बड़ा नाम भी रहा है, उनके अच्छे काम के लिए उनको बहुत सराहा भी गया है. लेकिन ICICI बैंक की CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी. आपको पता होना चाहिए कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनके नियम, उनके गवर्नेंस के लिए, उनके कामकाज प्रबंधन के लिए एक तो बोर्ड होता है. बोर्ड में कई डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, कई निदेशक होते हैं और वो सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल बॉडी होता है किसी कंपनी का. और ये जो CEO होते हैं उनकी नियुक्ति बोर्ड ही करती है. CEO क्या करते हैं, कामकाज देखते हैं, है ना, मैनेजर होते हैं. और बोर्ड एक तरह से मालिक है और सभी शक्तियों से संपन्न है. तो क्या हुआ है करप्शन के और पैसों की हेराफेरी का, जो इनके खिलाफ केस है वगैरह, या क्या चीज़ें हुई हैं, वो अभी आप इसमें पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको. तो द चंदा कोचर केस रेजेज इश्यूज. चंदा कोचर का ये जो मामला है रेजेज इश्यूज, वो ऐसे मसलों को रेज करता है, ऐसे मसलों को उठाता है ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस के, बड़ी बड़ी कंपनियों के गवर्नेंस संबंधी ऐसे मसलों को उठाता है दैट गो वेल बियॉन्ड हर, जो जाते हैं वेल बियॉन्ड हर, उनके परे. यानी सिर्फ उनसे नहीं मतलब है, ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस में हर जगह है, हर कंपनी में, हर चीज़ों में. द चंदा कोचर केस रेजेस, चंदा कोचर का जो केस है रेजेस इश्यूज, ऐसे मसले उठाता है ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस के, दैट गो वेल बियॉन्ड हर, जो जाते हैं वेल बियॉन्ड हर, बिल्कुल उनके परे, यानी उनसे भी आगे की बात है, सिर्फ उन तक सीमित नहीं है. द इंक्वायरी बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा, जो जांच फॉर्मर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा द्वारा, और ये इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस, उन आरोपों की जांच अगेंस्ट फॉर्मर ICICI बैंक CEO चंदा कोचर, पूर्व ICICI बैंक के CEO चंदा कोचर के खिलाफ जो इंक्वायरी है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा द्वारा, इनटू द एलिगेशंस, उन आरोपों की जांच अगेंस्ट फॉर्मर ICICI बैंक CEO चंदा कोचर, पूर्व ICICI बैंक के CEO चंदा कोचर के खिलाफ हैज टेकन 8 long months. उस इंक्वायरी ने, उस जांच ने हैज टेकन लिया है 8 long months, 8 लंबे महीने लिए हैं, टू कन्फर्म, ये पुष्टि करने के लिए, दैट सिम्स अपेरेंट, जो प्रतीत होता है एकदम स्पष्ट ऊपर से, दैट कि शी डिड नॉट कंडक्ट, उन्होंने व्यवहार नहीं किया है, सेल्फ अपने आप का व्यवहार नहीं किया एज जैसा कि शी शुड हैव, जैसा उन्हें करना चाहिए था, इन रिलेशन टू, के संबंध में, किसके संबंध में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशूज, जो हितों के टकराव संबंधी मसले थे उनके संबंध में, इन रिलेशन टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशूज, शी डिड नॉट कंडक्ट, उन्हें कंडक्ट नहीं किया हर सेल्फ अपने आप का व्यवहार नहीं किया एज जैसा कि शी शुड हैव, उन्हें करना चाहिए था. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशूज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बैंक में हूँ और CEO हूँ या बड़े अधिकारी हूँ मैं, और मुझे अपने बैंक से किसी कंपनी को लोन देना है और वो कंपनी मेरे बेटे का है या मेरे पत्नी का है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू हो गया क्योंकि वहाँ पे हितों का टकराव हो. एक तरफ तो मुझे बैंक का हित देखना है लेकिन वो मेरा बेटा का फॉर्म है, मेरी वाइफ का कंपनी है, तो मैं उनके प्रति भी झुका हो सकता हूँ, तो इसमें बैंक का नुकसान हो सकता है, मैं उनके प्रति लीनियंट या उदार हो सकता हूँ. तो ऐसे जब मसले आते हैं तो उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू बोलते हैं, हितों का टकराव. जैसे आप जज हैं और आपके बेटे का केस है कोर्ट में, तो वहाँ पे आप एक तो जज होंगे लेकिन दूसरी तरफ पूरी संभावना है कि आप पक्षपात कर लेंगे क्योंकि वो आपका बेटा है. तो ऐसे वहाँ पे हितों का टकराव है, ऐसे मसलों में क्या करना चाहिए, आदमी को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए. रिक्यूज़ करने का मतलब है कि उस जज को, जज के पद से हट जाना चाहिए, दूसरे को कहना चाहिए आप करिए क्योंकि हमारा बेटा है, वैसे इंटरव्यू में भी, वैसे बैंक में भी, कि हाँ भाई ये हमारे बेटे की कंपनी है, हम नहीं इसमें करेंगे, जो कर रहे हैं आप लोग करिए. तो यही बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू में, वो दोष, मतलब उनका इस पर दोष है. तो फिर से अगर इसको पढ़ें तो ये आपको लगेगा कि द इंक्वायरी बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा, सुप्रीम कोर्ट के जज BN कृष्णा द्वारा जो इंक्वायरी है इनटू द एलिगेशंस, उन जांचों की उन एलिगेशंस, आरोपों की इंक्वायरी या जांच अगेंस्ट फॉर्मर ICICI बैंक CEO चंदा कोचर,
पूर्व ICICI बैंक के CEO चंदा कोचर के खिलाफ हैज टेकन 8 long months. उस इंक्वायरी ने लिया है 8 लंबे महीने टू कन्फर्म, पुष्टि करने के लिए व्हाट सिम्स अपेरेंट, जो प्रतीत होता है अस्पष्ट ऊपर से, दैट की शी डिड नॉट कंडक्ट हरसेल्फ, उन्होंने व्यवहार नहीं किया एज जैसा कि शी शुड हैव, उन्हें करना चाहिए था, इन रिलेशन टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशूज, हितों के टकराव मसले संबंधी मुद्दों पे, इन रिलेशन टू उसके संबंध में जैसा व्यवहार करना चाहिए उन्होंने किया नहीं. इट वॉज ओनली लास्ट वीक, ये केवल पिछले हफ्ते की बात है, दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI फाइल्ड, उसने दायर किया एक FIR फाइल किया अगेंस्ट मिस कोचर के खिलाफ और हस्बैंड दीपक कोचर, उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ, हेड ऑफ द वीडियोकॉन ग्रुप वेणुगोपाल दूत, जो वीडियोकॉन ग्रुप के हेड हैं वेणुगोपाल दूत के खिलाफ, एंड ICICI बैंक एग्जीक्यूटिव्स और ICICI बैंक के जो मैनेजर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके खिलाफ, फॉर सैंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, सैंक्शन करने के लिए, सैंक्शन मतलब स्वीकृत करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज, कर्ज उधार लोन्स, इन वायलेशन ऑफ रूल्स, जो इन वायलेशन के उल्लंघन में है नियमों के, उन नियमों के उल्लंघन में, दैट कॉज्ड, और जिसने पैदा किया लॉस, जिसने हानि पहुंचाई ऑफ रुपीज 1730 करोड़, 1730 करोड़ का, टू द बैंक को. द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है CBI है, इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. लॉन्ग वे टू गो मतलब इसको बहुत सफ़र करना है, अभी बहुत मेहनत है, बिफोर इट स्टैब्लिश, इससे पहले कि वो साबित करे, इस्टैब्लिश करे वेदर कि क्या द लोन्स वर गिवन, जो लोन्स थे वो दिए गए थे इन रिटर्न, बदले में फॉर फाइनेंशियल फेवर्स या वित्तीय लाभ के बदले में दिया गया था. अ चार्ज, एक ऐसा आरोप, दैट इज एट द हार्ट ऑफ बुकिंग, दैट इज एट द हार्ट ऑफ, ये ऐसा आरोप है दैट इज एट द हार्ट ऑफ, जो मूल में है ऑफ बुकिंग देम, कि उनके खिलाफ मतलब उनको बुक किया गया, उनके खिलाफ केस किया गया है फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के लिए, चीटिंग धोखा के लिए, इन करप्शन भ्रष्टाचार के लिए. फिर से इसको पढ़ते हैं कि द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, जो CBI है इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, इसको बहुत सफर तय करना है बिफोर इट स्टैब्लिश, इससे पहले कि इस्टैब्लिश करे, साबित करे वेदर कि क्या द लोन्स वर गिवन, क्या जो लोन्स थे वो दिए गए थे इन रिटर्न, बदले में फॉर फाइनेंशियल फेवर्स, वित्तीय लाभ के बदले में. अ चार्ज, और ये ऐसा आरोप है दैट इज एट द हार्ट ऑफ, जो एट द हार्ट ऑफ का मतलब है मूल में है ऑफ बुकिंग, जो बुक किया गया उनको, उनके खिलाफ जो केस किया गया उसके मूल में है ये आरोप. अ चार्ज दैट इज एट द हार्ट ऑफ बुकिंग देम, ये ऐसा आरोप जो कि मूल में है उनको बुक करने के, उनके खिलाफ केस करने के, और ये बुक किया गया उनको, केस किया गया फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के लिए, चीटिंग धोखा के लिए, करप्शन भ्रष्टाचार के लिए. बट क्लियरली, लेकिन स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तौर पर, मिस कोचर ने गलती की, एयर मतलब गलती करना, एंड बैडली एट दैट, और वो भी बहुत बुरी तरह से, इन नॉट डिस्क्लोजिंग, कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, उजागर नहीं किया टू द बैंक्स बोर्ड, बैंक के बोर्ड के सामने, हर हस्बैंड्स बिजनेस कनेक्शन, अपने हस्बैंड के बिजनेस कनेक्शन का, बिजनेस जुड़ाव का, विद द वीडियोकॉन ग्रुप के साथ, उनके हस्बैंड के बिजनेस कनेक्शन का उन्होंने बोर्ड के समक्ष डिस्क्लोज नहीं किया, विच वॉज अ क्लाइंट, और ये वीडियोकॉन ग्रुप जो कि क्लाइंट था, ग्राहक था ऑफ द बैंक का, उन्हें करना चाहिए था. वर्स इससे भी बुरा कि शी फेल्ड टू डिस्प्ले, वो असफल रहे टू डिस्प्ले, दिखाने में द करेक्टनेस, वो सहीपना, वो सही व्यवहार, एक्सपेक्टेड ऑफ हर, जो उनसे उम्मीद की जाती है, बाय सिटिंग, और ऐसा शी फेल्ड टू डिस्प्ले, उन्होंने नहीं दिखाया द करेक्टनेस, वो उचित व्यवहार, एक्सपेक्टेड ऑफ हर, जो उनसे उम्मीद की जाती है, बाय सिटिंग ऑन कमिटीज, बैठ गई उन कमिटीज पे, उन कमेटी की वो मेंबर रही, दैट सैंक्शनड, जिसने स्वीकृत किया क्रेडिट फैसिलिटीज लोन्स टू वीडियोकॉन को, व्हेन जबकि शी ऑट टू हैव रिक्यूज, जबकि उन्हें रिक्यूज कर जाना चाहिए था, वापस हो जाना चाहिए था कमेटी से, अपना नाम वापस लेना चाहिए हरसेल्फ खुद से स्वयं. जस्ट अ डे आफ्टर बस एक ही दिन बाद, रुपीज 300 करोड़ लोन वॉज डिस्पर्स टू वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2009. जस्ट अ डे आफ्टर, एक ही दिन बाद, किसके बाद, जबकि 300 करोड़ रुपए का लोन वॉज डिस्पर्स किया गया, दिया गया टू वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को इन 2009 में, उसके एक दिन बाद, जस्ट अ डे आफ्टर दैट, मिस्टर कोचर्स न्यू पावर रिन्यूएबल्स, जो मिस्टर कोचर है यानी चंदा कोचर के हस्बैंड, उनका जो न्यू पावर रिन्यूएबल्स नाम की कंपनी है, रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया रुपीज 64 करोड़ 64 करोड़ रुपया फ्रॉम द वीडियोकॉन ग्रुप से. वेदर कि क्या दिस वॉज अ क्विड प्रोको, क्या ये क्विड प्रोको था. क्विड प्रोको का मतलब होता है कि अदला बदली, कि हम आपका कुछ लाभ कराएंगे, आप हमारा लाभ कराइए. वेदर दिस वॉज अ क्विड प्रोको, क्या ये क्विड प्रोको था.
परस्पर लाभ का ये सौदेबाजी था फॉर द लोन, लोन के लिए. एज द सीबीआई सजेस्ट, जैसा कि सीबीआई सुझा रही है, बता रही है, वेदर दिस वॉज अ क्विड प्रोको, क्या ये क्विड प्रोको था फॉर द लोन, इस लोन के लिए कि 64 करोड़ वापस उनको दिया गया. एज द सीबीआई सजेस्ट, जैसा कि सजेस्ट कर रहा है सीबीआई, ये नीड्स टू बी प्रूव्ड, इसको जरूरी है टू बी प्रूव्ड, साबित किया जाना. बट देर इज नो डिनाइंग, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, दैट इट मेड फॉर, इट मेड फॉर का मतलब होता है इसने जन्म दिया, ये हुआ. मेक फॉर का मतलब होता है ऐसा होना. इट मेड फॉर कि ये लगा हुआ फॉर पुअर इवन सस्पिशियस ऑप्टिक्स. पुअर मतलब खराब, इवन सस्पिशियस यहाँ तक कि संशयपूर्ण. ऑप्टिक्स मतलब परसेप्शन, विचार, भावना, मैसेज, संदेश. ऑप्टिक्स होता है जैसा लोगों को समझ में आता है, जैसा परसेप्शन बनता है, लोगों की धारणा बनती है. तो ये कह रहा है कि वेदर दिस वॉज, कि क्या ये क्विड प्रो को था फॉर द लोन, लोन के लिए क्या सौदेबाजी थी बदले में जो उन्हें 64 करोड़ मिला, जैसा कि सीबीआई सजेस्ट कर रहा है. नीड्स टू बी प्रूव्ड, इसको जरूरी है साबित करना. बट देर इज नो डिनाइंग, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता, दैट इट मेड फॉर, ये हुआ, ये लगा, ये रहा पुअर इवन सस्पिशियस ऑप्टिक्स, कि इसने खराब और यहाँ तक कि संशयपूर्ण धारणा भी बनाए. द इंक्वायरी रिपोर्ट होल्ड्स हर गिल्टी, जो जाँच रिपोर्ट है मानता है, होल्ड करता है और उनको गिल्टी, दोषी ऑफ वायलेशन, उल्लंघन का दोषी मानता है, वायलेशन ऑफ द बैंक्स कोड ऑफ कंडक्ट. बैंक का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो नियम है, व्यवहार का नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, अनुशासन के जो नियम है, उसके वायलेशन, उल्लंघन का दोषी मानता है. इट्स फ्रेमवर्क, कोड ऑफ कंडक्ट जो इसका ढांचा है, फ्रेमवर्क है फॉर डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो इसका फ्रेमवर्क है, ढांचा है फॉर डीलिंग विथ, उसे निपटने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव जैसे मुद्दों से डील करने के लिए जो इसका ढांचा है. एंड फिड्यूशरी ड्यूटीज़, फिड्यूशरी ड्यूटीज़ क्या होते हैं, जैसे हमने आपको कोई चीज़ दिया, वो सब सीक्रेट रखना है, लेकिन मैंने आपको दिया कि आप मतलब आप, आपसे उसका काम था तो हमने दिया, लेकिन अब आप उसको किसी और को उजागर नहीं करेंगे, आप भी सीक्रेट रखेंगे, हमने आपको ट्रस्ट में दिया है, विश्वास करके दिया है. तो फिड्यूशरी ड्यूटीज़ का मतलब होता है जब कोई आप पर ट्रस्ट करके कोई काम करता है, उस ट्रस्ट को ना तोड़ना, उस ट्रस्ट को निभाना फिड्यूशरी ड्यूटीज़ होते हैं. तो अगर इसको देखें तो द इंक्वायरी रिपोर्ट होल्ड्स हर गिल्टी, जो जांच रिपोर्ट है उनको मानता है, होल्ड्स हर मानता है उनको गिल्टी ऑफ, दोषी ऑफ वायलेशन, उल्लंघन का दोषी मानता है, ऑफ द बैंक्स कोड ऑफ कंडक्ट, बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का गिल्टी मानता है. इट्स फ्रेमवर्क, इसका जो ढांचा है, फॉर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव संबंधी बातों से निपटने के लिए जो ढांचा है उसका उल्लंघन का दोषी मानता है. एंड फिड्यूशरी ड्यूटीज़, और विश्वास में किए जाने वाले जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनके उल्लंघन का दोषी मानता है. एंड इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल इंडियन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल हैं, जो लागू होते हैं, लागू होने वाले, इन टर्म्स ऑफ के संदर्भ में, तो जो एप्लीकेबल इंडियन लॉज हैं, लागू होने वाले जो भारतीय कानून हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनके टर्म्स में भी उसका वायलेशन का दोषी मानता है इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट. द बैंक्स बोर्ड, बैंक का जो बोर्ड है, हैज़ एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, उस बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया इस रिपोर्ट को, एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है टू ट्रीट, कि वो मानेगा, ट्रीट करेगा हर वॉलंटरी रेजिग्नेशन, उनका जो स्वैच्छिक रेजिग्नेशन या त्यागपत्र था फ्रॉम द बैंक, बैंक से इन अक्टूबर में, उसको ट्रीट करेगा एज टर्मिनेशन फॉर कॉज, उसको मानेगा टर्मिनेशन फॉर कॉज, कि किसी गलत वजह से टर्मिनेट कर देना, नौकरी से निकाल दिया जाना, उसको ट्रीट करेगा बोर्ड, ऐसा उसने कहा. ऑल्सो डिसाइडिंग, ये भी डिसाइड किया उसने, टू क्लॉ बैक, कि वापस ले लेगा, छीन लेगा ऑल बोनसेस, हर तरह के जो बोनस उनको दिए गए, पेड जो दिए गए टू हर उनको, सिंस अप्रैल 2009 के बाद से, होल्ड बैक, और रोक देगा, नहीं देगा अनपेड अमाउंट्स, जो अमाउंट्स या पैसे पे नहीं किए गए हैं. एंड डाइवेस्ट हर, और छीन लेगा उनसे ऑफ हर स्टॉक ऑप्शन एंटाइटलमेंट्स, और स्टॉक के ऑप्शन, जैसे कोई कंपनी होता है, कंपनी पैसा जुटाने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो लोग स्टॉक खरीदते हैं, उस कंपनी के शेयर धारक बनते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, उनको भी कंपनी देती है स्टॉक्स, कि वो कंपनी के स्टॉक्स उनके पास रहेंगे, है ना. तो वही है कि जो उनके अधिकार हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं. तो क्या क्या किया है बोर्ड ने, क्या पनिशमेंट उनको दिया है, ये देख लीजिए. द बैंक्स बोर्ड हैज़ एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, बैंक के बोर्ड ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट, स्वीकृत कर लिया है, एंड डिसाइडेड, निर्णय किया है टू ट्रीट हर
वॉलंटरी रेजिग्नेशन, उनके वॉलंटरी रेजिग्नेशन स्वैच्छिक त्यागपत्र को ट्रीट करेगा फ्रॉम द बैंक, बैंक से इन अक्टूबर अक्टूबर में उसको ट्रीट करेगा एज टर्मिनेशन फॉर कॉज, किसी गलत कार्य से हटा दिया जाना टर्मिनेशन ट्रीट करेगा। ऑल्सो डिसाइडिंग, ये भी डिसाइड करते हुए टू क्लॉ बैक, की छीन लेगा ऑल बोनसेस, हर सभी बोनस पेड टू हर जो उनको पे किया गया सिंस अप्रैल 2009, अप्रैल 2009 से। होल्ड बैक, रोक लेगा अनपेड अमाउंट, जो अमाउंट पे नहीं किए गए, एंड डाइवेस्ट हर ऑफ, और उनसे छीन लेगा हर स्टॉक ऑप्शन एंटाइटलमेंट्स, स्टॉक्स ऑप्शन से रिलेटेड अधिकारों को। दीज आर स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज, ये जो है बहुत ही मजबूत प्रबल पेनल्टीज हैं, दंड हैं। बट लेकिन द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, हाउ डिड द बोर्ड गिव हर, कैसे बोर्ड ने दिया उनको अ क्लीन चिट, क्लीन चिट दिया एज रिसेंटली एज मार्च, इतना हाल में जितना कि मार्च, मतलब अभी हाल ही में मार्च में उनको क्लीन चिट कैसे दिया बोर्ड ने, मार्च लास्ट ईयर, पिछले साल के मार्च में। इट हैड देन रिपोज्ड, जो बोर्ड था बोर्ड, इट हैड देन, तब इट हैड रिपोज्ड, इसने दिखाया था, जताया था इट्स फुल कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास जताया था, एंड फेथ, भरोसा जताया था इन मिस कोचर, मिस कोचर में, एंड कमेंडेड हर, और उनकी प्रशंसा की थी, एंड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टीम की प्रशंसा की थी फॉर देयर हार्ड वर्क, उनके कठिन परिश्रम के लिए, एंड डेडिकेशन, समर्पण के लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह संभव है टू बिलीव, यह मानना, द बोर्ड वॉज नॉट अवेयर, कि बोर्ड अवेयर नहीं था, उसको ज्ञात नहीं था ऑफ द एलिगेशन, उन आरोपों के बारे में अगेंस्ट द सीईओ, सीईओ के खिलाफ, गिवन दैट, इस बात को देखते हुए कि अ विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर मतलब एक अंदर कंपनी का ही आदमी जिसने उजागर किया था इस भ्रष्टाचार को, हैड मेड देम, उसने इन एलिगेशंस को मेड देम पब्लिक, उसको सार्वजनिक किया था इन अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 में। फिर से अगर पढ़ें इस लाइन को, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव, यह संभव है बिलीव करना, मानना, द बोर्ड वॉज नॉट अवेयर, कि बोर्ड अवेयर नहीं था, ज्ञात नहीं था उसको ऑफ द एलिगेशन, उन आरोपों के बारे में अगेंस्ट द सीईओ, सीईओ के खिलाफ, गिवन दैट, इस बात को देखते हुए कि अ विसल ब्लोअर हैड मेड देम पब्लिक, एक विसल ब्लोअर ने उन एलिगेशन को पब्लिक, सार्वजनिक किया था इन अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 में। वॉज द बोर्ड देन इन्फ्लुएंस्ड बाई मिस कोचर, क्या जो बोर्ड है देन, वॉज द बोर्ड देन इन्फ्लुएंस्ड, क्या ये बोर्ड जो था इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था बाई मिस कोचर, मिस कोचर द्वारा प्रभावित किया गया बाई मिस कोचर, मिस कोचर द्वारा, इन टू गिविंग हर, ताकि वो बोर्ड दे दें उन्हें अ गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, अच्छा व्यवहार का सर्टिफिकेट। क्या वॉज द बोर्ड देन इन्फ्लुएंस्ड, क्या बोर्ड इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित किया गया बाई मिस कोचर, मिस कोचर द्वारा, इन टू गिविंग, ताकि वो दे दे हर उनको अ गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, अच्छा व्यवहार का एक सर्टिफिकेट। दीज आर अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस, दीज आर अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस, ये बड़े ही असहज क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, दैट रेज डाउट्स, जो डाउट्स या शंका उत्पन्न करते हैं ओवर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उन पर डाउट्स पैदा करता है एट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बैंक्स। दीज आर अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन, ये असहज प्रश्न है, दैट रेज डाउट्स, जो डाउट्स रेज करते हैं, शंका पैदा करते हैं ओवर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है, एट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बैंक्स, भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक में, उसके ऊपर प्रश्न उठाता है वहाँ के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड पे, वहाँ पे कॉर्पोरेट प्रशासन के स्टैंडर्ड पे, स्तर पे। द ICICI बैंक, द ICICI बैंक एपिसोड, ICICI बैंक का ये जो एपिसोड है, घटना है, इज ओनली वन, केवल एक है अमॉन्ग सेवरल इंस्टांसेज, उन कई इंस्टांसेज या उदाहरणों में से, ऑफ गवर्नेंस लैप्सेज, गवर्नेंस संबंधी जो चूक हुई है, लैप्सेज है, तो सेवरल इंस्टांसेज, ऐसे कई उदाहरण है गवर्नेंस लैप्सेस के इन कॉर्पोरेट इंडिया, भारत के कॉर्पोरेट इंडिया में, उन, तो जो ICICI बैंक का ये जो घटना एपिसोड है, इज ओनली वन, केवल एक है अमॉन्ग सेवरल इंस्टांसेज ऑफ गवर्नेंस लैप्सेस, जो कई इंस्टांसेज या उदाहरण है गवर्नेंस लैप्सेस के इन कॉर्पोरेट इंडिया, कॉर्पोरेट इंडिया में, उनमें से एक है इन रिसेंट टाइम्स, जो हालिया वर्ष समय में हुआ है। क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, रेगुलेटर्स नीड टू अप देयर गेम, जो रेगुलेटर्स हैं, नियामक हैं, जो नियामक संस्थाएँ हैं, रेगुलेटर्स हैं, दे नीड टू अप देयर गेम, उन्हें जरूरी है टू अप देयर गेम, कि वो अपने आप को तैयार करें, अपने बेहतर बनाएं, इम्प्रूव करें, बेहतर मॉनिटरिंग कर सकें इनकी। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कॉशर, कॉशर का मतलब होता है लीगल, ऑनेस्ट, वैधानिक, ईमानदारीपूर्ण। रेज मतलब उठाना। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कंपनियों के अंदर जो गवर्नेंस है, प्रशासन, गो वेल बियॉन्ड, से परे होना, से परे जाना, इंक्वायरी, जांच, फॉर्मर, पूर्व, इंक्वायरी, जांच के बाद प्रीपोजिशन इनटू आता है, एलिगेशंस मतलब आरोप, कंफर्म मतलब पुष्टि करना, सी मतलब लगना, अपैरेंट ऊपर से देखने में जो स्पष्ट हो, कंडक्ट मतलब व्यवहार,
इन रिलेशन टू के संबंध में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हितों का टकराव फाइल दायर करना फाइल करना सैंक्शन स्वीकृति स्वीकृत करना क्रेडिट फैसिलिटीज लोन्स उधारी इन वायलेशन ऑफ के उल्लंघन में कॉज पैदा करना लॉस हानि क्षति इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच एजेंसी लॉन्ग वे टू गो लंबा सफ़र तय करना स्टैब्लिश मतलब साबित करना स्टैब्लिश मतलब स्थापित करना भी होता है साबित करना प्रूफ करना इन रिटर्न के बदले में फाइनेंशियल फेवर्स वित्तीय लाभ चार्ज मतलब आरोप एट द हार्ट ऑफ के मूल में बुकिंग केस करना मुकदमा करना उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र करप्शन भ्रष्टाचार चीटिंग धोखा एर गलती करना बैडली एट दैट वो भी बहुत बुरी तरीके से बैडली एट दैट डिस्क्लोज उजागर करना बताना बोर्ड कंपनी का जो निदेशक मंडल होता है बिजनेस कनेक्शन बिजनेस से जुड़ाव क्लाइंट ग्राहक वर्स और भी बदतर डिस्प्ले दिखाना करेक्टनेस उचित व्यवहार एक्सपेक्टेड ऑफ समबडी किसी से जो उम्मीद हो सिटिंग ऑन कमिटी कमिटी का मेंबर होना कमिटी में बैठना रिक्यूज वापस लेना अपने आप को पीछे हट जाना डिसबर्स मतलब देना कोई फंड वन डिसबर्स किया जाता है देना क्विड प्रो को का मतलब होता है सौदेबाजी परस्पर सौदेबाजी हम आपको कुछ देंगे आप कुछ हमको दीजिए सजेस्ट सुझाना बताना देर इज़ नो डिनाइंग इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता नकारा नहीं जा सकता इस बात को मेक फॉर मतलब वो चीज़ बनाना वो चीज़ होना वो साबित होना सस्पिशियस संदेहपूर्ण ऑप्टिक्स मतलब परसेप्शन धारणा विचार संदेश मैसेज होल्ड बताना कहना गिल्टी दोषी वायलेशन उल्लंघन कोड ऑफ कंडक्ट आचरण के नियम फ्रेमवर्क ढांचा डील विद से निपटना फिडिशरी ड्यूटीज विश्वास में किए जाने वाले कर्तव्य विश्वास के अधीन किए जाने वाले कर्तव्य फिडिशरी ड्यूटीज एप्लीकेबल जो एप्लीकेबल हो लागू होने वाले एप्लीकेबल वॉलंटरी रेजिग्नेशन स्वैच्छिक त्यागपत्र ट्रीट मानना ट्रीट करना टर्मिनेशन फॉर कॉज किसी कारण की वजह से टर्मिनेट करना नौकरी से निकालना क्लॉ बैक वापस छीन लेना वापस ले लेना क्लॉ बैक बोनस जो सैलरी के ऊपर से पे किया जाता है पैसा बोनस होल्ड बैक रोक लेना अनपेड जो ना पे किया गया हो ना दिया गया हो ना चुकाया गया हो डाइवेस्ट समबडी ऑफ समथिंग किसी को डाइवेस्ट ऑफ समथिंग उससे उसको छीन लेना स्टॉक ऑप्शन एंटाइटलमेंट्स जो शेयर संबंधी जो ऑप्शन है उनके एंटाइटलमेंट्स उनके अधिकारों को स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज बहुत कठोर दंड रिपोज मतलब दिखाना फुल कॉन्फिडेंस पूरा विश्वास फेथ भरोसा कमेंड मतलब प्रशंसा करना प्रेज डेडिकेशन मतलब समर्पण भाव समर्पण अवेयर ऑफ के बारे में पता होना जागरूक होना जानना विसल ब्लोअर कंपनी के अंदर का व्यक्ति जो भ्रष्टाचार उजागर करता है इन्फ्लुएंस प्रभावित करना या प्रभावित होना गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अच्छे व्यवहार का सर्टिफिकेट अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस असहज प्रश्न रेज डाउट्स उठाना शंका पैदा करना स्टैंडर्ड्स मानक स्तर कॉरपोरेट गवर्नेंस का एपिसोड घटनाक्रम इंस्टेंसेस उदाहरण लैप्सेस मतलब चूक हो जाएगा और इन रिसेंट टाइम्स हालिया समय में रेगुलेटर्स नियामक संस्थाएं अप देयर गेम का मतलब अपना बेहतर करना अब जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर बनाना इम्प्रूव करना सुधारना अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर आधारित जिनका आपको जवाब देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिगेशन निम्नांकित में से कौन सा एलिगेशन आरोप नहीं है अगेंस्ट मिस कोचर के खिलाफ नॉट डिस्क्लोजिंग टू द बोर्ड ये बताना नहीं उजागर नहीं करना बोर्ड के समक्ष अबाउट हर हस्बैंड्स बिजनेस कनेक्शन अपने हस्बैंड के बिजनेस कनेक्शन के बारे में विद वीडियोकॉन ग्रुप के साथ वॉज हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ द कमेटी वो खुद ही मेंबर थी उस कमेटी की दैट सैंक्शन जिसने स्वीकृत किया क्रेडिट फैसिलिटी लोन दिया टू वीडियोकॉन को सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटीज उन्होंने स्वीकृत किया लोन क्रेडिट फैसिलिटी टू हर हस्बैंड्स बिजनेस कंसर्न्स अपने पति के बिजनेस कंसर्न्स को अपने पति के फॉर्म्स को कंपनियों को जस्ट अ डे आफ्टर लोन टू वीडियोकॉन को लोन के एक दिन बाद मिस कोचर के हस्बैंड का जो फॉर्म है रिसीव्ड उसने पाया 64 करोड़ रुपीज़
प्राप्त किया फ्रॉम वीडियो कॉन से, पता नहीं इनमें से कौन सा एक एलिगेशन अगेंस्ट मिस कोचर नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स, निम्नांकित में से किस आधार पर मिस कोचर इज नॉट गिल्टी, मिस कोचर गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव, फिड्यूशरी ड्यूटीज, भरोसे या विश्वास के अधीन किए जाने वाले कर्तव्य, वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण के जो नियम है उनके उल्लंघन, इरेजिंग एविडेंस, सबूत मिटाना, फॉर मिसडीड्स, अपने कुकृत्यों का सबूत मिटाना, इसमें किसके आधार पर वो गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट रेजेस डाउट्स, क्या शंका पैदा करता है ओवर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है एट ICICI बैंक में, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड पे क्या चीज़ है जो रेज करता है डाउट, शंका पैदा करता है, द वे जिस तरह से द केस वॉज हैंडल्ड बाय द CBI, जिस तरह से केस को हैंडल किया गया CBI द्वारा, इशू ऑफ गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, जो इशू किया गया, जारी किया गया गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट टू मिस कोचर को, डिस्पाइट, बावजूद इसके कि विसल ब्लोअर्स एलिगेशंस, विसल ब्लोअर के एलिगेशंस थे तब भी, होल्डिंग बैक द अनपेड अमाउंट्स, रोक लेना अनपेड अमाउंट्स, जो अमाउंट्स पे नहीं किए गए बाय मिस कोचर को, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे। तो व्हाट रेजेस डाउट्स, क्या है जो डाउट रेज करता है, शंका पैदा करता है ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड पे एट ICICI बैंक में, ये बताना था क्या है जो रेज करता है डाउट, शंका पैदा करता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द फ्रेज, इस फ्रेज से अप देयर गेम के जो फ्रेज है इससे क्या अर्थ निकालते हैं आप, टू एक्वायर गेमिंग स्किल्स, खेल से संबंधित स्किल्स, कुशलता को प्राप्त करना, टू मूव अप द लैडर, अप द लैडर मतलब ऊपर जाना, प्रमोट होना, ऊपर चढ़ना, बेहतर बनना, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन को, काम को बेहतर बनाना, टू बिकम सीरियस अबाउट द गेम या खेल के बारे में सीरियस या गंभीर हो जाना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नांकित में से कौन ट्रू नहीं है, सही नहीं है, देयर हैव बिन सेवरल इंस्टांसेस, कई इंस्टांसेज या उदाहरण घटने हुए हैं ऑफ लैप्सेस, चूक के इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑफ लेट, हाल में, बताना है कौन सही नहीं है। आफ्टर न्यू रिविलेशंस, नई जो सूचना है, रिविलेशन है, रहस्य उद्घाटन है अबाउट मिस कोचर के बाद, शी हैज़ बिन टर्मिनेटेड, उनको हटा दिया गया है फ्रॉम हर पोस्ट, उनके पद से, बाय द ICICI बोर्ड द्वारा, इट हैज़ नॉट येट बीन अ ईयर, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, सिंस शी वॉज गिवन, जब से उनको दिया गया क्लीन चिट बाय द बोर्ड द्वारा क्लीन चिट दिया गया, उसके बाद से एक साल भी अभी नहीं हुआ है। न्यू पावर रिन्यूएबल्स विच रिसीव्ड ₹64 करोड़, जो 64 करोड़ रुपया प्राप्त किया फ्रॉम वीडियोकॉन से, इज अ फर्म, एक कंपनी है, फर्म है, ओन्ड, जिसके मालिक हैं मिस कोचर्स हस्बैंड, जो ओन किया जाता है उनके हस्बैंड द्वारा, बताना इसमें कौन ट्रू नहीं है, सही नहीं है। आपके आंसर्स वैसे ये हैं, फर्स्ट के सी, टू के डी, थ्री के बी, फोर के सी और फाइव के बी। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन्स के एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, फिर से पटरी पे आ गया है जो शेड्यूल है, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, पता चला है वैकेंसीज काफ़ी होर्डेड हो गए थे, काफ़ी जमा हो गए थे, तो बहुत अच्छा चांस है अगले एक आध सालों में आप पढ़ के और नौकरी लेके निकल जाइए। बैंक में भी बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, खासकर पंजाब नेशनल बैंक में इस साल बहुत सारे रिटायरमेंट्स हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।